वो कहते हैं ना कि ठेके की शराब और गर्लफ्रेंड के बाप इन दोनों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। इसी बात को प्रूफ किया रितेश देशमुख ने। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ रितेश देशमुख की फिल्म वेद के बारे में। सो हे गाइस, मैं हूँ कार्तिक और समरी ऑफ सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की मूवी के मेजर किरदार के बारे में कि कौन कौन से ऐसे किरदार है जो हमें ज्यादा दिखाया जाने वाला है। तीन मेजर किरदार जो आपको पता है, रितेश, जेनेलिया और यहाँ पर जिया शंकर। कहानी की डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ये मूवी 2019 में आए मजली की रीमेक है, लेकिन ये हमें कहीं से लेकर कहीं तक ऐसा भी एहसास नहीं होने देती है कि मूवी रीमेक बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो रितेश ने डायरेक्शन दिए, हाँ, रितेश ने प्रूफ कर दिया है कि वो एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी है। यहाँ पर कहानी की बात करूँ कि मूवी की कहानी क्या कहना चाहती है, तो जो सत्या है यानी कि रितेश है, वो फाइनली क्रिकेटर के शौकीन है और वो फाइनली यहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसा उनका ख्वाब रहता है इस मूवी के अंदर। इसी दौरान यहाँ पर उनकी लाइफ में एंटर करती है जिया। सत्या जब स्कूल टाइम में होता है तब से ही जेनेलिया उसको प्यार करने लगती है, लेकिन सत्या को इस बात की कानों कान खबर नहीं होती कि रितेश को प्यार हो जाता है जिया से। लेकिन जैसे ही जिया के फादर कहानी में एंट्री लेते हैं, कहानी का सस्पेंस वहीं से बदल जाता है। जब मैं थिएटर में बैठा था, मेरे को लग रहा था कि यहाँ चल रहा है, लेकिन जैसे ये सस्पेंस आया, मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब, अब तो भारी भरकम माहौल होने वाला है। जैसे ही जिया के फादर को पता चलेगा कि सत्या और जिया का चक्कर चल रहा है, देन यहाँ पर उसकी शादी कहीं और करवा देंगे उसके फादर, और यहाँ पर रितेश जो है एक देवदास वाले कैरेक्टर में आ जाएगा। और जो उनका वो कैरेक्टर होता है, आपको लगेगा कि कहीं कबीर सिंह की कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। नहीं, कबीर सिंह का बाप है ये कैरेक्टर। जी हाँ, यहाँ पर कहानी को जिस तरीके से डायरेक्शन दी और जो किरदार को रितेश ने निभाया है, वो वाली चीज हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि भाई साहब क्या माहौल बना है, क्या बाप मूवी है बे। जैसे ही इंटरवल खत्म होगा, देन आती है जेनेलिया, जो उससे पहले से प्यार करती है, लेकिन रितेश को नहीं पता। वो उसे संभालने का काम करती है, क्योंकि जिया की शादी कहीं और हो जाने के बाद वो नशे में धुत हो चुका है, एकदम एंगर मोड में आ चुका है, बात बात पर गुस्सा होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर जेनेलिया उसे संभालते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर रितेश की और जेनेलिया की, हस्बैंड और वाइफ की जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है, तोबा 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 तोबा। और यहाँ पर हमें एहसास होता है कि जेनेलिया इतने साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद जो उन्होंने इस फिल्म में दोबारा से एंट्री ली है, कमाल धमाल और मालामाल पुरानी जेनेलिया ही आपको इस बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगी। आपको उनकी लव और बाउंडिंग केमिस्ट्री जो देखने को मिलेगी, वो बवाल होगी। यहाँ पर जेनेलिया उन्हें संभालते हुए नजर आएगी और यहीं से उनका ख्वाब भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। ते वाली मूवी की कहानी है। अब अगर आप चाहें कि पूरी मूवी की कहानी बता दूं, तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज भाई साहब मूवी बड़ी बाप मूवी है, इस मूवी को देखना बिल्कुल बनता है। तो फाइनली मैं ये कहूंगा कि ये मूवी बड़ी धांसु मूवी है, देखना बिल्कुल बनता है। थिएटर में जाइए, अभी से टिकट बुक करवा लीजिए, क्योंकि ये मूवी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है, चाहे वो प्रेम के मामले में हो, यानी कि लव के मामले में हो, सस्पेंस के मामले में हो, लव बाउंडिंग केमिस्ट्री के मामले में हो, हस्बैंड और वाइफ की लव केमिस्ट्री के बारे में हो, या गर्लफ्रेंड के पिताजी के द्वारा पिछवाड़े पे खाए जूतों के मामले में हो, सारे मामले में ये मूवी बड़ा झटका देने वाली है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आप मूवी देखकर आ चुके हो, और उसी के साथ साथ अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मराठी मूवी है लेकिन समझ में पूरी आएगी। तो आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फाइनली लाइक कीजिए वीडियो को, कॉमेंट कीजिए और फाइनली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।